पीसीडीए पेंशन के अधिकारी, सीजीडीए के अधिकारी, और आप लोगों को मैं जान के शायद खुशी होगी कि हर हफ्ते हम इन लोग को बुलाते हैं और आप लोग तो इन लोगों को जो कहते हैं कहते हैं, हम लोग भी इनको बहुत कुछ कहते हैं, तो ये दोनों तरफ से हमारे इन लोग दे आर द रिसीविंग एंड। बट जोक्स अपार्ट, आई वुड लाइक टू से कि हमारा जो मकसद है कि हम, हमारी यही कोशिश है कि ये जो स्पर्श का जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है और जिसका आपको, आप लोग सभी को पता है कि ये कहाँ से इसका जेनेसिस हुआ, आपको पता होगा कि 2017 में जो हमारी वित्त के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने ये एक गवर्नमेंट का विजन था कि जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको एक सेंट्रलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंटीग्रेटेड डिफेंस प्लेटफॉर्म मिले जो कि आईटी इनेबल्ड हो। ये उसी के तहत हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा रक्षा मंत्रालय के तहत जो हमारा सीजीडी ऑफिस है, ये इनिशिएटिव उसी का आउटकम है। तभी 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी कि मुकेश ने और हमारे हिमांशु ने बहुत डिटेल में आप लोगों के इसके बारे में बताया है और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही बस संक्षिप्त में बोलूँगी कि ये एक एंड टू एंड हमारे जो पेंशन प्रोसेस है इसको हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है और जितने भी हमारी पेंशन की प्रोसेसेस हैं उनको इस तरह से किया कि एक ही हमारा सेंट्रल पेंशन इन सब एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नाउ इसके लिए हमारे पीसीडी पेंशन ने, जैसे आपने देखा, एक पोर्टल बनाया है और ये जो पोर्टल है, मतलब अभी हिमांशु ने मेंशन किया कि 2-3 दिन इसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं रक्षा मंत्रालय में। इनफैक्ट अभी 12 से 16 बीच में ये पोर्टल काम नहीं कर रहा था एंड ये जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ा तभी 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी कि मुकेश ने और हमारे हिमांशु ने बहुत डिटेल में आप लोगों के इसके बारे में बताया है और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही बस संक्षिप्त में बोलूँगी कि ये एक एंड टू एंड हमारे जो पेंशन प्रोसेस है इसको हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है और जितने भी हमारी पेंशन की प्रोसेसेस हैं उनको इस तरह से किया कि एक ही हमारा सेंट्रलाइज्ड पेंशन इन सब एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नाउ इसके लिए हमारे पीसीडी पेंशन ने, जैसे आपने देखा, एक पोर्टल बनाया है और ये जो पोर्टल है, मतलब अभी हिमांशु ने मेंशन किया कि 2-3 दिन इसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं रक्षा मंत्रालय में। इनफैक्ट अभी 12 से 16 बीच में ये पोर्टल काम नहीं कर रहा था एंड ये जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ा, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे रक्षा सचिव वो खुद गांधीनगर गए थे। उन्होंने वहाँ पर हमारे जो TCS का, जो हम लोग का TCS जो आउटसोर्स एजेंट है जिस पे हमने एक कार्य दिया हुआ है ये बैकएंड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और हमारे पीसीडी पेंशन के अधिकारी वहाँ पर उनके साथ गए, पूरे इस इशू पर डिस्कशन हुआ और जैसे कि अभी हम लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम सुनी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब छोटे छोटे मुद्दों को एड्रेस करने का वहाँ पर बात